नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा MPAT 2019 एंड 2020 27 नवंबर 2021 को होने वाले एग्जाम को पोस्टपोन्ड करने के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम MPAT 2019 एंड 2020 के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, वेबसाइट लिंक्स के अंतर्गत हमें MPAT 2019 एंड 2020 का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत हमें MPAT 2019 एंड 2020 प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित, MPAT 2019 एंड 2020 एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 27 नवंबर 2021 को MPAT एंट्रेंस एग्जाम को फिलहाल आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, अर्थात पोस्टपोन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही इसके संदर्भ में नवीन जो नोटिफिकेशन है जारी किए जाएंगे। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के लिए सैंपल पेपर एवं सिलेबस के संदर्भ में है जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सैंपल पेपर्स के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। सैंपल पेपर यूनिराज MPAT 2019 एंड 2020, यहाँ से हम अपने सब्जेक्ट के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। MPAT 2018 के जो पेपर है यहाँ पर जारी किए गए हैं, इनके आधार पर हम अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम सिलेबस के संदर्भ में, तो दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। यहाँ से हम पेपर फर्स्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी के साथ में पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम एग्जामिनेशन पैटर्न के संदर्भ में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस 1235 के संदर्भ में, जो MPhil डिग्री से संबंध रखता है। नोटिफिकेशन MPhil डिग्री, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यूनिराज MPAT, MPhil प्रोग्राम एंड एग्जामिनेशन फॉर बोथ द पेपर शेल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल सेशन। 3 घंटे का यहाँ पर जो पेपर है रखा जाएगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 1 घंटे का होगा जबकि पेपर सेकंड 2 घंटे का रहेगा। सिंगल सेशन में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी एक ही समय में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आयोजन किया जाएगा। प्रथम पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद पेपर सेकंड रखा जाएगा। पेपर फर्स्ट की अवधि यहां पर 1 घंटे की रहेगी जबकि पेपर सेकंड की अवधि 2 घंटे की रहेगी। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड विथ एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन एंड पजल्स से संबंधित है जो प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो CSIR, नेट या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो UGC नेट या CSIR नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसकी तैयारी आप और अधिक बेहतर तरीके से करके इस पेपर को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम यहाँ रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो पेपर फर्स्ट सभी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, किसी भी फैकल्टी से संबंधित हो, उन सबके लिए जो पेपर फर्स्ट है वो समान रहेगा। यहाँ पर पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर 50 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ रखा गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखे गए हैं जबकि अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 35% मार्क्स रखे गए हैं। खास बात यह है कि पेपर सेकंड तभी मूल्यांकित किया जाएगा जब आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाइंग करेंगे, अन्यथा अगर आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाइंग नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो पेपर सेकेंड है वो मूल्यांकित नहीं किया जाएगा।
तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो यह सब्जेक्टिव रहेगा, जिस सब्जेक्ट में हमने एमफिल प्रोग्राम के लिए आवेदन किया है उसी सब्जेक्ट में हमारा सेकंड जो पेपर है वो लिया जाएगा। पेपर सेकंड में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 2 अंक का होगा और 200 मार्क्स का जो पेपर है लिया जाएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में किसी भी प्रकार की जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कुछ विशेष कंडीशंस में यहाँ पर वेटेज का जो प्रावधान है रखा गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो ओनली यूनिराज एमपैट क्वालिफाइड, जो यूनिराज एमपैट क्वालिफाई करेंगे उत्तीर्ण होंगे, एलिजिबल होंगे, और ऐसे अभ्यर्थी यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग है रखते हैं कंसर्न सब्जेक्ट या फैकल्टी में, तो उन्हें यहाँ 10 मार्क्स जो है दिए जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो यूनिराज एमपैट 2019 एंड 2020 क्वालिफाई कर जाएंगे, और ऐसे अभ्यर्थी यदि यूजीसी नेट सीएसआर नेट गेट स्लेट और इंस्पायर्ड स्कॉलर्स या नेशनल जो स्कॉलरशिप होती है नेशनल फेलोशिप होती है इक्विलेंट एग्जामिनेशन कंसर्न सब्जेक्ट या फैकल्टी, तो उन्हें भी यहाँ 5 मार्क्स का जो है वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण जो बातें हैं एमफिल के संदर्भ में कही गई है। और यहाँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों को मिलाकर जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, और यहाँ विच विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन बोथ पेपर, तो दोनों के आधार पर यहाँ पर जो मार्क्स है आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है कही गई है नेट जेआरएफ और यूजीसी नेट या सीएसआर नेट या अन्य कोई फेलोशिप प्रोग्राम है उसके संदर्भ में, तो इसका भी हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे हम पीएचडी प्रोग्राम के संदर्भ में कि उसमें हमें जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार रखा गया है और किस प्रकार हमें जो वेटेज का लाभ मिल पाएगा। अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी ऑर्डिनेंस 1-4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर जो डिग्री होनी चाहिए हमारे पास में 55% मार्क्स के साथ में, और अदर जो कैटेगरीज हैं जनरल को छोड़कर उनके लिए 50% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर प्रोसीजर के संदर्भ में जानकारी दी गई है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके पश्चात पेपर सेकेंड और पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके पश्चात यहाँ पर जो नेट क्वालिफाई है यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट आदि जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा, और उसके पश्चात जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न के संदर्भ में, तो एमफिल प्रोग्राम के समान यहाँ पर भी जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 3 घंटे का जो पेपर है यहाँ रखा गया है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात करें तो 1 घंटे का रहेगा और पेपर सेकंड की बात करें तो 2 घंटे का रहेगा। पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, जनरल एप्टीट्यूड से होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपेरिजन एंड सीरीज फॉर्मेशन पजल्स एक्सेट्रा जो क्वेश्चन है यहाँ पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट विल बी कॉमन ऑल स्ट्रीम्स, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, सभी के लिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट बिल्कुल समान रहेगा और सिलेबस भी सेम ही रहेगा। पेपर फर्स्ट में यहाँ पर 100 मार्क्स रहेंगे और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। और पेपर सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्टिव रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ रखा गया है जनरल के लिए 40% है और अदर कैटेगरीज है जिसमें एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर ईडब्ल्यूएस डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज के लिए 5% का जो रिलेक्शन है छूट दी गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 35% पेपर फर्स्ट में आने चाहिए। तो इसलिए से जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स का 40% और 35% का, विशेष बात यही है कि विल नॉट बी इवेल्युएटेड अगर आप पेपर सेकेंड के अंदर 40% मार्क्स या 35% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जो पेपर सेकंड है वो किसी भी स्थिति में मूल्यांकित नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको फेल कर दिया जाएगा। पेपर सेकंड सब्जेक्टिव है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगी, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो। यहाँ जो विशेष बात कही गई है इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के अंदर हमें 50% और
अदर कैटेगरी के लिए 45% जो मार्क्स है वो लाने होंगे। तो अगर ऐसे विद्यार्थी जो पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, पेपर सेकंड में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन क्राइटेरिया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो 50% अगर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप पेपर फर्स्ट में केवल क्वालिफाई करते हैं, सेकंड में भी अगर फिर आपके 50% मार्क्स होते हैं तो भी तो आपको एलिजिबल किया जाएगा, अन्यथा आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। और यहाँ 45% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर ईडब्ल्यूएस डिफरेंट टेबल्ड के लिए रखे गए हैं, तो इस क्राइटेरिया का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पीएचडी प्रोग्राम के अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ विशेष वर्ग का जो वेटेज रखा गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो यूनिराज एमपैट 2019 एंड 2020 क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और पेपर दोनों को मिलाकर 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआर नेट जेआरएफ होने की स्थिति में संबंधित सब्जेक्ट में या विशेष रूप से ध्यान रखना है कंसर्न सब्जेक्ट या फैकल्टी, तब इन्हें 10 मार्क्स का जो वेटेज दिया जाएगा। और इसी तरह से हम बात करते हैं एमपेड क्वालिफाइड एमफिल जो पास्ड स्कॉलर्स हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो यहाँ 7 मार्क्स का जो वेटेज दिया जाएगा और 5 मार्क्स का जो वेटेज उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो यूजीसी नेट है सीएसआर नेट स्लेट गेट इंस्पायर्ड स्कॉलर्स या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंसर्न सब्जेक्ट का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तो आपको यहाँ 5 मार्क्स का जो है वेटेज दिया जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन बोथ पेपर्स पेपर सेकंड एंड पेपर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ यूनिराज एमपेट एग्जाम, तो इस लाइन का भी हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो इसका भी हमें विच विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन बोथ पेपर्स पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड यूनिराज एमपेट एग्जाम। ड्यूरेशन है पीएचडी की तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 साल की और मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 साल की। कुछ विशेष जो परिस्थितियां हैं उनमें छूट रखी गई है, तो यहाँ 1 साल या 2 साल की छूट दे दी जाती है, लेकिन वो किसी विशेष परिस्थिति में ही दी जा सकती है। तो यहाँ पर कोर्स वर्क के संदर्भ में जो जानकारी दी गई है जो 6 महीने का होता है इंक्लूडिंग 6 ईयर्स, तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। पेपर फर्स्ट 2018 का जो पेपर है यहाँ दिया नहीं गया है, इसके संदर्भ में ही हम जल्दी एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें, इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे आरबीएससी विद एचएसएम के साथ। जय हिंद जय भारत।